हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रंजीत और आप देख रहे हैं मशीन लाइफ। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था और मैं फिर से यूट्यूब पर आया हूँ। जो मैंने इसका काम था वो अभी फिलहाल बात करके और थ्रेसर में लग गया हूँ। और अभी ये मेरा थ्रेसर जो देख रहे हैं चल रहा है, उसको मैंने अपने ट्रैक्टर में अटैच किया है। ट्रैक्टर का मॉडल मैं अभी आपको दिखा दूंगा, स्वराज 735 है और इसको मैंने हाइड्रोलिक पर फिट किया है। जब भी यहाँ से निकलता हूँ कहीं जाता हूँ तो इसको मैंने अपने हाइड्रोलिक, जैसे कि हल को उठाते हैं वैसे हाइड्रोलिक कर लेता हूँ और लेके चला जाता हूँ। जो अगले वीडियो में आपको, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मेरा थ्रेसर चल रहा है और कैसे कितना गेहूँ निकल रहा है। इसके ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए, कितने घंटे में कितने गेहूँ निकालता है और कितने माइलेज, ट्रैक्टर का क्या माइलेज है, तो मैं आपको एक अलग वीडियो में बना दूंगा। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको थोड़ा बहुत जानकारी दे दूंगा। और तो चलिए मैं आपको अभी दिखाता हूँ अपना ट्रैक्टर और इसमें कैसे मैंने अटैच किया है। तो थोड़ा सा अभी मैं आपको दिखाता हूँ, बाकी आपको अगले वीडियो में डिटेल में बता दूंगा। हाँ तो दोस्तों ये है मेरा ट्रैक्टर और ये मैंने अटैच किया है। मैं ट्रैक्टर का मॉडल आप देख सकते हैं, 16735। दोस्तों ये 39 एचपी का ट्रैक्टर होता है, 39 एचपी, और इसमें पीटीओ जो है वो 32 एचपी का दिया हुआ है। जो मैं अभी आपको ट्रैक्टर पर चढ़ के दिखाता हूँ, कुछ इस तरह से मैंने अपने ट्रैक्टर में अटैच किया है। क्रॉस बेयरिंग के साथ है, ये क्रॉस बेयरिंग के साथ घूमता है पीटीओ द्वारा, जैसा कि आप यहाँ दोस्तों देख सकते हैं।